हेलो स्टूडेंट्स मैं वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन हिंदी में तो चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय छह के एमसीक्यूज तो इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने इसका एक शॉर्ट रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया है वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा और इस एमसीक्यूज सीजन में हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे लिए हैं ताकि एक बार आपका फिर से दोबारा से रिवीजन हो जाए और यहां पर हमने कोशिश करी है कि वो सारे क्वेश्चन ले जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना नया क्वेश्चन चलिए सबसे पहले दिया है इनमें से कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है देखिए पूर्ण वर्ग नहीं है इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर मैंने सबसे पहले कुछ क्वेश्चन सबसे पहले बताया था कि अगर कोई संख्याएं अगर उनके पीछे मतलब कोई कोई जो नंबर नंबर है 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 ना अगर कोई है, अगर उन संख्याओं के पीछे आ जाते हैं तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होते या हम कह सकते हैं कि कुछ पूर्ण वर्ग ये कुछ पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं जो उनको पूर्ण वर्ग भी नहीं होने देती हैं है ना फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं कि यहां पर कुछ संख्याएं होती हैं जैसे टू थ्री सेवन एट कुछ ऐसे नंबर होते हैं अगर ये किसी भी नंबर के पीछे आ जाते हैं तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं आई बात समझे पूर्ण वर्ग नंबर नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है तो अगर ये किसी नंबर के पीछे भी होते हैं तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं होते फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर आपको दिया है इनमें से कौन सी संख्या है जो वर्ग नहीं है तो हम कह सकते हैं इसके पीछे सेवन आ रहा है इसके पीछे थ्री आ रहा है और इसके पीछे एट आ रहा है तो यहां पर तीनों ऐसे नंबर आ रहे हैं जो कि क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है तो यहां पर क्या आ जाएगा इनमें से सभी मतलब इनमें से सभी नंबर ऐसे हैं जो वर्ग नहीं है तो यहां पर हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? राइट आंसर ये आएगा। ध्यान रखना यह चीज मैंने पहले भी बताई थी कि आप लोग यहां पर पीछे की संख्या मतलब उसके इकाई स्थान पे देखा करिए कि इकाई स्थान पे क्या नंबर आ रहा है अगर इकाई स्थान पे ऐसा नंबर आ रहा है जो वर्ग नहीं है तो आप बिना सोचे समझे आप लोग बस एक बात का ध्यान रखो कि अगर आपको रूल रेगुलेशन पता है तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो तो यहां हमको रूल पता था कि भाई ये जो संख्या है वो क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए ये अगर किसी नंबर के पीछे भी आएंगे या ये किसी संख्याओं के पीछे भी आएंगे अगर ये नंबर तो क्या होगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगे तो इस तरह से हमने यहां पे इसका आंसर दिया तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अगला दिया इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है तो देखिए यहां पर ऐसी संख्याएं आ रही हैं अब जैसे हम लोग उसको हटा दें दो तीन सात और आठ को हटा दें तो इसके पीछे जीरो एक है ना चार पांच छो ये नंबर आते हैं तो ये पूर्ण वर्ग नंबर होते हैं क्या होते हैं पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं तो देखो एक भी आ रहा है चार भी आ रहा है छह भी आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि इनमें से सभी क्या है पूर्ण वर्ग हैं है ना तो अगर वही बात है अगर हमें रूल्स रेगुलेशन पता है अगर हमें सारी चीजों के रूल्स रेगुलेशन पता है तो हम आसानी से अपने जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसको बिना किसी दिक्कत के सॉल्व कर सकते हैं क्यों क्योंकि हमने उसके सारे रूल रेगुलेशन पढ़े अगर आपको सारे रूल्स रेगुलेशन पढ़ना है तो हमने इसका पूरा एक चैप्टर वीडियो भी बनाया है जिसके अंदर हमने पूरी जितनी भी आ, उसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी हम लोगों ने कंप्लीट करी है फिर हमने एक इसका शॉर्ट रिवीजन भी बनाया है आप वहां पर भी जाकर उनके शॉर्ट रिवीजन में वो सारे एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं और एमसीक्यूज में तो हम आपको समझा ही रहे तो इस तरह से देखा कि यहां पर क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं और उनको ध्यान में रखकर हम किन चीजों को आ, लेते हैं और किन चीजों को नहीं लेते हैं उनका भी हमको ध्यान रखना है चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम इनमें से कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है तो देखो तो यह क्वेश्चन भी हमने कराया था इसमें यह बताया था कि अगर संख्या का वर्ग करता हूं जैसे मान के चलिए संख्या क्या होती है जीरो दो चार छ आठ है ना ये क्या होती है एक सम संख्याएं होती है अगर इनका मैं वर्क करता हूं तो जैसे मान के चलिए दो का वर्क करूंगा तो चार आएगा है ना चार का वर्क करूंगा तो सोलह आएगा सात सोलह छह का वर्क करूंगा तो छत्तीस आएगा आठ का वर्क करूंगा तो चौसठ आएगा तो आपने देखा कि अगर मैं सम संख्या का वर्क कर रहा हूं तो यहां पर मुझे आंसर में एक सम संख्या ही मिल रही है तो इनमें से कौन कौन सी सम संख्या का वर्ग है तो एक ये है और एक ही तो हमारा आंसर क्या हो गया का और यहां पर क्या है सम संख्या का वर्ग है ध्यान रखना सम संख्या के वर्ग में सम संख्या आती है विषम संख्या के वर्ग में विषम संख्या आती है अगर आपको इस तरह का पूछा जाता है एक नंबर में या एमसीक्यूज में या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाता है खैर एमसीक्यूज और वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक ही होते हैं एक नंबर के क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं जिसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन अगर होते हैं तो उसमें भी आप लोग इस तरह के आंसर या एक लाइन में आंसर आप लोग लिख सकते हो कि जिन संख्याओं के पीछे सम नंबर आते हैं तो उनका वर्ग भी सम ही होता है ठीक है चलिए आगे करते हैं आगे दिया हुआ है इनमें से कौन सी संख्या विषम संख्या का वर्ग है अब देखिए विषम संख्या का मतलब क्या हो गया विषम संख्या का मतलब यह हो गया कि अगर यहां पर ऐसा इकाई के अंक पे ऐसा नंबर आ जाए जो क्या है विषम है विषम का मतलब क्या होता है विषम का मतलब यह आता है कि इकाई के अंक पे आपको एक तीन पांच सात नौ अगर इस तरह के नंबर दिखते हैं इकाई अंक में तो वो नंबर विषम नंबर कहलाते हैं तो इनका अगर वर्ग करता हूं वर्ग करता हूं तो तीन का वर्ग नो पांच का पच्चीस सात का उनचास और नौ का इक्यासी तो अगर इनका वर्ग करता हूं तो वर्ग करने पे आपको एक जो नंबर मिलता है वो भी विषम मिलता है तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा का और का और खा ठीक है का और खा इसके ऑप्शन हो जाएंगे क्यों क्योंकि ये भी विषम है ये भी विषम है तो इनका अगर वर्क करेंगे तो हमको क्या मिलेगा एक विषम नंबर ही मिलेगा ठीक है मतलब हमने यहां पर जो एक तरह से हमने यहां पर जो टॉपिक लिए हैं वो एमसीक्यूज में आप मेरे या आप हमारे जितने भी वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक चीज देखने को यहां पर यह मिलेगी जो इंपॉर्टेंट भी है वो क्या है वो इसलिए है क्योंकि यहां पर हम लोग जितने भी एमसीक्यूज करते हैं तो वो एक तरह से हमने जो आ, चैप्टर में हमने जो पढ़ा है वो सब हमारा रिवीजन हो जाता है इसलिए हम स्टार्टिंग में वो सारे एमसीक्यूज लेते हैं जो हमारी मेमोरीज में वो सारी चीजों को रिएक्टिवेट कर देते हैं जो हमने पर चुके हैं ताकि वो जब हम करेंगे तो हमारी चीजों को वापस से क्या कर दे में आ जाए वो सारी चीजें हमारी ठीक है चलिए आगे करते हैं आगे दिया है होगा मतलब चौसठ का वर्ग क्या होगा मतलब इसमें से क्या आंसर हो सकता है तो देखिए एमसीक्यूज करेंगे तो हमारे पास सीधा सा आंसर यह है कि अगर मैं चौसठ का वर्ग करता हूं तो सीधी सी है इसको मैं लिखूंगा एट्टी इंटू एट्टी तो आंसर कितना हो जाएगा एट्टी या तो ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कैसे ये लीजिए सिक्सटी फोर हंड्रेड है करो दो दुनी दो तिया छह दो दुनी चार फिर करो दो एक कम दो दो इच बारह फिर करो दो अट्ठे सोलह फिर करो दो चौको आठ फिर करो दो दुनी चार फिर करो दो ही धाम बीस फिर करो दो पंजे दस दो पंजे दस फिर करो दो से तो ये कितनी बार जाएगा पच्चीस बार फिर करेंगे पांच से तो जोड़े कितने बने एक दो तीन चार चार तो एक दो तीन, चार गुणा पांच दो दूनी चार चार दूनी आठ आठ दूनी सोलह सोलह पंजे अस्सी तो तरह से हमारा पूरा आंसर निकल के आया तो या तो आप ऐसे करो या ऐसे निकाल लो या फिर उसका एक शॉर्ट आंसर है देखो अगर आपको पूरा मेथड ले निकालने के लिए बोले पूरा सॉल्व करने के लिए बोले तब तो आपको यह वाली मेथड करना पड़ेगी लेकिन अगर एमसीक्यूज कर रहे हैं तो फिर आप ये ऐसे एक शॉर्ट से भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है वैसे सही तो ये भी है बट ये अस्सी आया कैसे वो हमने निकालने का पूरा तरीका बताया तो वो वो होता कैसे देखिए यहां पर अगर मैं देखा जाऊं तो ये 64 है तो 64 का हम जानते हैं वर्गमूल 8 होता है ठीक है और अगर जीरो की संख्या सम सं में होती है ठीक है तो यहां पे क्या हो जाएगा एक जीरो आ जाएगा तो मतलब क्या है 100 का अगर वर्ग करता हूं मतलब अगर मैं इसको ऐसा समझूं अगर मैं इसको अलग कर लूं तो 64 फोर इंटू तो 64 का जो वर्ग होता है वो होता है 8, और 100 का होता है 10, तो मिला के हो गया 80. इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं उसमें कोई गलत नहीं होगा ठीक है तो तरीके बहुत होते हैं करने के बहुत सारे तरीके होते हैं करने के बट हमको जो अच्छा लग रहा है हम उस चीजों को अप्लाई करेंगे ठीक है आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ वह छोटी संख्या क्या होगी जिसे 20 28 से गुणा करने पर उसे पूर्ण वर्ग बना दे मतलब क्या है वह छोटी संख्या क्या होगी जिसे मैं 20 28 से अगर गुणा करता हूं तो वो उसको क्या कर दे पूर्ण वर्ग बना दे तो अब क्या होगा इनमें से वो छोटी संख्या क्या होगी वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा सबसे पहले बीस अट्ठाईस को क्या करूंगा यहां पर देखिए गुणा करना और भाग करने की जब भी बारी आती है तो यहां हम लोग वही एलसीएम वाली जो गुणनखंड वाली जो विधि होती है फैक्टर वाली जो मेथड होती है हम उसका करेंगे और अगर प्लस करने वाली और माइनस करने वाली अगर बात होती तो फिर मैं भाग विधि का यूज करता तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं क्या कौन सी संख्या क्या छोटी संख्या होगी जिसे गुणा करने पर को गुणा करने पर तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग टू का यहां पर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा गुण खन दो एकम दो दो एक दो दो चौको आठ फिर हो जाएगा दो पंजे दस दो सत्ते चौदह फिर करेंगे दो दुनी चार दो पंजे दस सॉरी क्योंकि ये इससे तो जाएगा नहीं पांच सौ सात है पांच सौ सात सात और पांच बारह तीन से चला जाएगा तो पांच सौ सात को आप लोग तीन से भाग दे देखो क्या हो जाएगा तीन दुनी च, तीन एकम तीन तीन छठारह तीन नम सत्ताईस, एक सौ उनहत्तर फिर करेंगे तीन से तो तीन से कर जाएगा कैसे देखिए तीन पंजे पंद्रह तीन से वन सिक्सटी नाइन डायरेक्ट कैसे जाएगा वन सिक्सटी नाइन जो डायरेक्ट जाएगा ना वो तेरह से जाएगा क्योंकि तेरह का जो होता है वर्गमूल वो वन सिक्सटी नाइन का वर्गमूल होता है तेरा तो देखो आप लोगों ने यहां पर दो और तीन तेरह ये तो हो गया बट तीन का जोड़ा नहीं बन रहा तो अगर मैं गुणा करूंगा तो टू जीरो टू एट गुणा तीन तो तीन अटे चौबीस चौबीस की चार हासिल कर दो तीन दुनी छ और दो आठ जीरो तीन दुनी छीरो एट फोर तो वो छोटी संख्या क्या हो गई तीन तीन से मैं अगर गुणा करूंगा तो जो भी संख्या आएगी वो उसको क्या करेगी पूर्णवर्ग बना देगी ठीक है देखो यहां पर तीन का तीन का जोड़ा नहीं बन रहा था तो जो तीन बचा यहां मैंने उसका गुणा कर दिया तो तीन आठ चौबीस की चार हासिल कर दो तीन दूनी दो आठ जीरो तीन दूनी छह तो यह हमारा आंसर आ गया हमें यह नहीं पूछा था कि कौन वह संख्या क्या होगी और जो संख्या निकलेगी उसका वर्गमूल क्या होगा हमें यह नहीं पूछा था हमें तो वो पूछा था कि वो छोटी संख्या क्या होगी जिससे गुणा करने पर वो पूर्ण वर्ग बना दे तो वो छोटी संख्या क्या होगी तीन होगी तो चलिए आगे करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ वह छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 2645 में भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग होगी अब देखिए वही बात है अगर प्ला, अगर मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करने की बारी आती है तो हम लोग वही फैक्टर वाली मेथड जो गुणनखंड वाली होती है एलसीएम की वो यूज करेंगे तो चलिए टू सिक्स टू फोर टू सिक्स टू फाइव टू सिक्स फोर फाइव का हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा पांच से करेंगे यहां पर पहले देख लीजिए काय से जाएगा दो छो आठ ठ चार बारह बारह पांच सत्रह तो यह तीन से तो जाएगा नहीं हम करेंगे पांच से डायरेक्ट तो पांच से कैसे करते हैं देखिए टू सिक्स फोर फाइव जल्दबाजी नहीं करना है पचम पच्चीस है ना पांच दूनी दस पांच पांच दूनी दस पांच नम पैंतालीस तो ये क्या फाइव ट्वेंटी नाइन फाइव ट्वेंटी नाइन आ रहा है

गुणा करता हूं तो आपको सबके पीछे नो मिलेगा तो एक ये लॉजिक है मतलब एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको किसी भी संख्या का अगर आपको पता करना है कि ये किससे विभाजित हो सकती है या ये किसी किसका वर्ग हो सकता है तो ध्यान रखना उसका इकाई का अंक का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना इसमें इकाई के अंक में देखो तेरह का करेंगे तेरह का तेरह का करेंगे तो वन आता है सत्रह का सत्रह से करेंगे तो देखो सत्रह का अगर मैं सत्रह से करता हूं करके दिखाता हूं तो सत्रह सात सा, सत्य उनचास की दो हासिल का चार सात एगम सात और चार सात और चार ग्यारह फिर उसके बाद एक से करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा नो आठ टू एटी नाइन अब तेईस का करके देखो ठीक है ट्वेंटी थ्री इंटू ट्वेंटी थ्री तो तीन तीय, तीन तिया नो तीन दुनी छिया छह दो तीन चार छ बारह बारह की दो हासिल का एक फाइव ट्वेंटी नाइन किसका हो गया ट्वेंटी थ्री का तो यहां पे तेईस और तेईस देखा कितना आसानी से सॉल्व हो गया ये है ना मतलब हमने क्या करा हमने केवल इकाई के अंकों को पकड़ा और इकाई के अंक को पकड़ने के बाद हमने देखा कि भाई इसके इकाई के अंक में नो आ रहा है तो यहां पर ऐसे ही मैं उसके गुणा ऐसे ही गुणा करूंगा ऐसी संख्या ढूंढूंगा जिसके इकाई के अंक में नो आए तो उससे बहुत जल्दी यहां पर क्या आ जाता है पकड़ा में आ जाता है तो देखो अब यहां पर कौन तो सी संख्या बची है पांच तो जाहिर सी बात है कि जब मैं पांच का गुना करूंगा टू सिक्स फोर फाइव में टू सिक्स फोर फाइव में जब पांच से भाग दूंगा भाग देना है मुझे ठीक है भाग देना है तो पांच पचम पच्चीस ठीक है तो क्या आ जाएगा पांच दूरी दस िस फाइव ट्वेंटी नाइन कितना फाइव ट्वेंटी नाइन जिसका वर्गमूल क्या है तेईस ठीक है देखा किस तरह से हमने क्वेश्चन को समझा और कैसे सॉल्व किया तो आप लोग भी इसी तरह के क्वेश्चन को इसी मेथड को यूज करना और थोड़ा सा दिमाग चलाना कि हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं आगे आइए एक पाइथागोरस और की सबसे छोटी संख्या आठ है तब संख्याएं होंगी मतलब पाइथागोरस त्रिक का मतलब क्या होता है त्रिक का मतलब तीन संख्या जिसमें से एक संख्या दी है मुझे आठ तो अगली संख्या क्या होगी देखिए पाइथागोरस त्रिक निकालने की जो संख्याएं होती हैं वो होती है एम, एक होती है एम स्क्वायर माइनस वन तो पहले तो जो संख्या दी हुई है उसको मैं रखूंगा टू एम बराबर एट के तो एम बराबर हो जाएगा आठ बटा दो तो दो चौको आठ है ना एम की वैल्यू आ गई चार अब उसके बाद यहां पर रखेंगे तो चार का स्क्वायर प्लस वन तो चार चो को सोलह प्लस वन हो गई एक सत्रह और एक हो जाएगी चार चोको सोलह मतलब क्या हो जाएगा सोलह माइनस वन तो एक हो जाएगी पंद्रह तो संख्या संख्या क्या आ गई सत्रह और पंद्रह तो ये रही हमारी पंद्रह या सत्रह जो भी बोला था ये तो इस तरह से पायथक और त्रिक का मतलब यह तीनों संख्या क्या थी सबसे छोटी आठ है उससे बड़ी पंद्रह है और सबसे बड़ी सत्रह है तो हमें दो पूछी थी एक दी हुई थी तो ये दोनों निकल के आ गई तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और अपना आंसर निकाला ध्यान रखना ये मैं आपको एक बात बता दूं आप जो चैप्टर हम लोगों ने कर लिए हैं अगर आप उन चैप्टरों का जाके रिवीजन करेंगे ना तो आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चनों में से आते हैं जो हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं हमने एक शॉर्ट रिवीजन भी किया है हमने एक कंप्लीट रिवीजन मतलब एक कंप्लीट चैप्टर भी हमने किया है तो आप दोनों देखिए आपको पूरा देखने को यहां पर आसानी से एमसीक्यूज भी आपके आसानी से सॉल्व होने लगेंगे ठीक है चलिए आगे आते हैं पच्चीस और छब्बीस संख्याओं के वर्ग के बीच में संख्याएं होंगी देखो पच्चीस और छब्बीस पच्चीस और छब्बीस संख्याओं के वर्ग के बीच में संख्याएं होंगी मतलब पच्चीस का वर्ग पच्चीस का वर्ग और छब्बीस के वर्ग को करूंगा तो पच्चीस का वर्ग क्या होता है और छब्बीस का वर्ग क्या होता है तो दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं होंगी अगर आपको उसका अंदाजा लगाना है तो हम जानते हैं कि एन स्क्वायर व एन प्लस वन स्क्वायर संख्याओं के बीच टू एन संख्याएं होती हैं टू एन संख्या होती हैं, ठीक है ठीके? तो ये तो है एन पच्चीस जो छोटी वाली है उसको लेते हैं एन और एन प्लस वन करूंगा तो छब्बीस आ जाएगा तो हम क्या करेंगे हम इस टू में पच्चीस का गुना कर देंगे तो पच्चीस दूनी पचास तो हम कह सकते हैं हम यहां पर कह सकते हैं कि पच्चीस पच्चीस का स्क्वायर और छब्बीस के स्क्वायर के बीच में पचास संख्याएं होती हैं यह रहा हमारा आंसर ठीक है जो छोटी वाली संख्या होती है ना आप उसमें दो का गुणा कर दो तो उस पता पड़ जाएगा कि इन दोनों संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है, आएगी ये इस ट्रिक से आती है जो कि बहुत आसान है चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं आगे दिया है वन नाइन वन टू नाइन सिक्स का वर्गमूल होगा अब देखो सबसे पहली बात मैं आपको ज्यादातर देखो आ, क्या होता है एमसीक्यूज में हम लोग ट्रिक का यूज करते हैं तो हम लोग अगर मैं इकाई के स्थान की बात करता हूं अगर मैं इकाई के स्थान की बात करता हूं तो इकाई के स्थान पे आपको क्या मिलेगा इकाई के स्थान पे आपको क्या मिलेगा देखो कर, हम लोग इसको फैक्टर तो कर लेंगे कोई बात नहीं फैक्टर से निकल के भी आ जाएगा लेकिन मैं जब एमसीक्यूज करता हूं तो कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व करूं तो देखो इकाई के स्थान पर क्या होता है और जिसके इकाई के स्थान पर छह होता है ना वहां पर आपको छे होता है तो वहां पर आपको क्या मिलेगा इकाई के स्थान पर छे होता है तो ज्यादा से ज्यादा इकाई के स्थान पर आपको छत्तीस मिलता है ठीक है छे ही मिलेगा तो इनमें से इकाई के स्थान पे आपको क्या दिख रहा है यहां पे छे है यहां पे चार है छह यहां पे, पे सात है तो मैं आपको बताऊं देखो जिसके इकाई के स्थान में है तो अगर उस तो उनका वर्गमूल में जो पूर्ण संख्या निकलेंगी उनके इकाई के स्थान पे भी छह रहेगा मतलब यह है मेरा कहने का कि या तो ये होगा या ये होगा लेकिन सोलह का स्क्वायर करूंगा तो वो तो कम निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि छत्तीस का घर में स्क्वायर करूंगा तो छत्तीस की छह हासिल का तीन छे का तिया कम छोड़ बारह छे अठारह उन्नीस बीस इक्कीस अट्ठारह अठारह की एक हासिल का एक तीन तिया नौ और एक दस छो दो और एक ये देखिए जैसा मैंने बताया था कि हम लोगों को जरूरी नहीं है कि हम इसको पूरा सॉल्व करें इकाई के स्थान से भी अनुमान लगा सकते हैं कि हमने देखो हमने तो दो ऑप्शन पहले ही खत्म कर दिए कि यह भी नहीं हो सकता यह भी नहीं हो सकता है क्योंकि चार का वर्गमूल क्या होता है चार चोको सोलह होता है ठीक है तो चौदह जो होगा उसके इकाई के स्थान में भी छह आएगा है ना चार के इकाई के स्थान में भी छह आएगा क्योंकि चार चको सोलह होता है लेकिन यहां पे हम लोग चौदह की बात कर रहे थे तो चौदह का अगर दो बार गुणा करते हैं तो वो उसको नहीं आ पाएगा वो उसका वो वर्गमूल नहीं हो पाएगा ठीक है लेकिन यहां पर 16 और 36 एक ऐसी संख्याएं थी तो 16 भी बहुत छोटा था है ना 14 से थोड़ा सा आगे बढ़ते तो 16 पे आ पाता तो हमारी गाड़ी ज्यादा से ज्यादा यहां आके रुकेगी तो ये इसका भी नहीं हो सकता था इसका भी नहीं हो सकता था आए किस पे हम लोग छत्तीस पे तो छत्तीस का हमने जब वर्ग किया तो हमें पता पड़ गया मतलब जरूरी नहीं है कि हम हर चीज में इसका यूज करें इसका यूज करें हम थोड़ा सा अपना लॉजिक यहां से भी लगा सकते हैं और अपने आंसर को निकाल सकते हैं चलिए आगे आते हैं वह छोटी संख्या होगी जिसे 5 6 0 7 में से घटाया जाए तब वो पूर्ण वर्ग बन जाए तो देखिए मैंने बताया था कि जब भी अगर इस तरह की संख्या आ जाए जिसमें क्या करा जाए घटाया जाए या जोड़ा जाए वहां क्या करते हैं वहां हम लोग करते हैं क्या लॉन्ग डिविजन मेथड मतलब भाग विधि का यूज करते हैं ठीक है तो चलिए भाग विधि का यूज कैसे करेंगे देखिए कैसे होगा ये है फाइव सिक्स जीरो सेवन अब हमें वो कौन सी संख्या घटाना है तो अब हम करते हैं सबसे पहले क्या अपनी भाग विधि तो चलिए सबसे पहले दो दो के जोड़े बनाते हैं जैसा कि मैंने बताया था क्या करेंगे दो दो के जोड़े बनाएंगे अब उसके बाद यहां पर ऐसी दो संख्या सोचेंगे छह छंग छत्तीस है ना सात सतहिया उनचास तो हम कह सकते हैं कि उनचास जो है वो छप्पन से क्या है छोटा है क्योंकि आठ चौसठ जो वो बड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे सात सतह उनचास और सात को ही प्लस कर देंगे ठीक है अब सोलह में से नौ को घटाएंगे तो सोलह में से नौ को घटाने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें बताई है ज्यादा दिक्कत है तो आप क्या करा करो लाइन खींच लो लाइन खींच के सॉल्व क्या करो कैसे मैंने बार बार बताया एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह या तो फिर उंगलियों का यूज क्या करो या फिर लाइन खींच लिया ले करो लेकिन हमें ध्यान रखना जब तक हम इतने एक्सपर्ट ना हो जाए हम लोग अपने मन से नहीं कर दे जब तक आप बिल्कुल भी इस तरह के एक्शन नहीं लेना ठीक है ना खास तौर से एग्जाम में बिल्कुल एक एक चीज करके देखो इसलिए मैं आपको एक एक चीज यहां पे करके भी दिखाता हूं ठीक है अब नो को घटाओ तो क्या हो जाएगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ एक दो तीन चार पांच छ सात कितना बचा सात अब ये आ गया सात सौ सात अब क्या करेंगे अब देखिए यहां पर यहां पर चौदह में चौदह यहां है और यहां पर और यहां पर इसका मतलब यहां और यहां अब ऐसी संख्या में रखता हूं जो इससे बराबर में हो बट बड़ इससे बड़ी ना हो इससे छोटी चलेगी तो क्या रख सकता हूं देखो कोशिश करके देखिए यहां पर आप लोग दो रख के देखो दो दुनी चार दो चोको आठ दो एकम दो जो कि क्या हो गया बहुत ज्यादा कम हो गया तीन रखो तीन तीन नौ तीन, तीन चोको बारह बारह की दो हासिल का एक तीन एकम तीन और एक छे थोड़ा पास में आ गए चार से करो चार चौको सोलह सोलह की छह हासिल का एक चार चौको सोलह सोलहर एक सत्रह सत्रह के साथ हासिल का एक चार एक हम चार और एक पांच ठीक है और नियरेस्ट आ गए पांच से करो मैं एक एक चीज इसलिए करके दिखाता हूं ताकि आप लोग भी सीखें क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं हम लोग सीखने के लिए कर रहे हैं मैं डायरेक्ट यहां पर भी कर सकता था लेकिन हम यहां पर चीजें के इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग सीख सके इसलिए हम भी यहां पर उस चीज को बिल्कुल एक एक चीज को डीप में जाकर समझाते हैं तो ये रहेगा पचम पच्चीस पच्चीस की पांच हासिल का दो पांच को बीस और दो बाईस बाईस की दो हासिल का दो पांच एगम पांच और दो सात सात सौ पच्चीस बड़ा हो गया है ना बड़ा हो गया भाई देखो पचम पच्चीस की पांच हासिल कर दो पांच और दो बाईस हो गया तो हम लोग काय पे जाते हैं अब अब हम जाते हैं काय पे चार पे तो क्या हो जाएगा चार सौ को सोलह सोलह की छह हासिल करे चार चौक सोलह सोलह और एक सत्रह सत्रह के साथ हासिल एक चार एगम चार और एक पांच तो कितनी बार जाएगा पांच चार बार में तो ये हो जाएगा पांच सौ छिहत्तर यहाँ चार को ही प्लस कर, कितना है? चार को ही प्लस करा चलिए सात में से छह गया एक बचा यहां पे दस में से नो दस में से सात जाएगा कितना बचेगा तीन और यहां कितना हो गया यहां हो गया हमारा छ एक, एक सौ इकतीस अब मैं एक सौ इकतीस को अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा किसने किसमें से फाइव सिक्स जीरो सेवन में से माइनस करूंगा एक सौ इकतीस को तो फाइव सिक्स जीरो सेवन एक सौ इकतीस सात में से एक गया बचा दस में से तीन गया सात बचा पांच में से एक गया चार बचा फाइव फोर सेवन सिक्स तो एक कौन सी संख्या बनेगी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तो किसको घटाया एक सौ इकतीस को घटाया तो इस तरह से हमने क्वेश्चन पे आए हमने पूरा सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हम अपने आंसर को भी देखा कि कौन सी संख्या जिसको घटाएं जिससे ये आया तो उससे हमने ये आंसर निकाला और हमारा जो राइट आंसर क्या आया ये 131 आया हर तरह का क्वेश्चन हमने यहां पर लिया है जो आपका एक पूरा अच्छे से चैप्टर रिवीजन भी करवा देगा आगे आते हैं वह छोटी संख्या होगी जिसे 1300 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो देखिए मैंने बोला या जोड़ना या घटाना की अगर बात आती है तो हम लोग भाग विधि का यूज करते हैं तो चलिए तेरह सौ की बात करते हैं तो तेरह सौ रहा, दो दो के जोड़े बनाओ ठीक है तीन तिया नो चार जो को सोलह तो बड़ा हो जाएगा तो तीन तिया नो तो नो और नो को ही प्लस कर देंगे ठीक है तो आ, तीन तिया नो सॉरी तीन तिया नो यहां पे तीन को ही प्लस करेंगे ये हो जाएगा छ है ना तेरह में से नौ को घटाएंगे तो तेरह में से जब नौ को घटाएंगे तो एक दो तीन है ना चार पांच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार ठीक है चार आ गया दो जीरो हम यहाँ से ले लेंगे ठीक है और उसके बाद अब यहाँ पर और यहाँ पर ऐसी संख्या रखेंगे जो इससे बड़ा ना हो चार सौ से कौन सी संख्या हो सकती है अब हम लगाते हैं टेस्ट पांच रख के देखो पचम पच्चीस की पाँच हासिल कर दो छः पंजे तीस और दो बत्तीस है ना और थोड़ा सा देख लेते हैं छः रख के देख लेते हैं तो जाएगा छः चंग छत्तीस की छः हासिल का तीन छः चंग छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनचालीस ये बिल्कुल ठीक है थ्री नाइन्टी सिक्स तो क्या रखा मैंने छः यहाँ पे भी छः तो थ्री नाइन्टी सिक्स तो क्या करेंगे छः को ही प्लस कर देंगे दस में से छः गया चार बचा है ना नौ में से नौ हो गया जीरो हो गया ठीक है अब क्या करेंगे भाई अब क्या बोला था कौन सी संख्या जोड़े मतलब तेरह सौ में से क्या जोड़े तो देखो यहां पर तेरह सौ का जो स्क्वायर हो रहा था मतलब छत्तीस का जो स्क्वायर करूंगा वो हमको कम आएगा ठीक है ना अब हम क्या करेंगे हमने देखा था कि हम लोग प्लस में जब भी हम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उससे एक आगे मतलब सैतीस सैतीस का स्क्वायर की बात करते हैं तो अगर मैं सैतीस का स्क्वायर करूंगा तो देखिए सात सत्या उनचास किनो हासिल का चार सात्या इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस ठीक है सात्या इक्कीस इक्कीस की एक हासिल कर दो तीन तिया नौ और दो ग्यारह वन थ्री सिक्स नाइन कितना आएगा वन थ्री सिक्स नाइन अगर मैं डिफरेंस देखता हूं क्या है वन थ्री सिक्स नाइन माइनस तेरह सो डिफरेंस देखा कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको 69 का तो अगर मैं 1300 में 69 जोड़ दूं 1300 में अगर मैं 69 जोड़ दूं तो मुझे एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी तो क्या जोड़ा मैंने 69 देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने केवल जो क्वेश्चन की पहले हमने जो रिवीजन शॉर्ट वीडियो में हमने जो रिवीजन में प्रैक्टिस किया था हम केवल उसी प्रैक्टिस के हिसाब से चल रहे हैं और हमारा आंसर बहुत आसानी से आ रहा है तो ये केवल एक डिपेंड करता है कि आपने उस चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़ा है उसके कितने सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने अपने माइंड में रखा है बस उन्हीं चीजों का यूज करते हुए हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते जा रहे हैं और अपने आंसर को निकालते जा रहे हैं जो कि बहुत ईजी भी हो रहे हैं और करने में भी बहुत मजा आ रहा है चलिए फिफ्टी का वर्गमूल होगा देखिए जाहिर सी बात है इसका अगर वर्गमूल निकालना है इसका अगर वर्गमूल निकालना है तो बात वही आती है कि अगर चार को चार गुणा चार करता हूं तो सोलह आता है वर्गमूल की बात कर रहा हूं है ना तो वर्गमूल की बात कर रहा हूं तो अगर चार का जो वर्गमूल है तो चार का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आंसर काय में आएगा चार का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा दो में ही आ सकता है क्यों आ सकता है क्योंकि इकाई के अंक में देखो इकाई के अंक में समझना समझना हाँ यहां है 5.84 uh, अगर इसके इकाई के अंक में चार आ रहा है तो यह किसी का स्क्वायर है यह किसी का स्क्वायर है लेकिन मतलब ये किसी का वर्ग है है ना लेकिन यहां पर वो संख्या कौन सी है कि किस, इसको उसको वर्ग करने पर यह आया तो उसके कहीं ना कहीं उसके इकाई के स्थान पे दो होगा उसके इकाई के स्थान पे कहीं ना कहीं दो होगा तभी तो ये बना है तभी तो ये बना है कैसे समझा मैंने ये केवल मैंने इकाई के अंकों को ध्यान रखा अब चलो मैं यहां पर एक यहाँ पर एक क्या करता हूं मैं एक, आ, तुक्का लगाते हैं हम कहते हैं मैं मानता हूं चलो ये आंसर हो सकता है हो सकता है तो चलिए हम करके देखते हैं बहत्तर गुणा करते हैं दो दो नी चार दो सत्य चौदह दो सत्य चौदह सात सत्य उनचास और एक पचास चार चौर आठ चार था है ना। देखो आ गया आपके सामने आंसर कैसे आ गया फिर से देखो मैंने क्या लॉजिक लगाया था मैंने लॉजिक ये लगाया था कि अगर इसके इकाई के स्थान पे चार है तो ये संख्या किसी का वर्ग है है ना तो अगर इसका वर्गमूल निकालूंगा तो वो संख्या कही कहीं ना कहीं मेरे पास ऐसी होगी कि उसकी इकाई के स्थान पर दो होगा है ना तो यहां पर हमने एक लॉजिक लगाया कि भाई अगर ये बहत्तर को अगर मैं वर्ग करता तो उसका वर्ग क्या आता 84 तो 5.84 का वर्गमूल 72 होगा होगा कि नहीं होगा फिर से करके देखो 72 को दो बार गुणा करो दो दुनी चार है ना दो सत्ते चौदह सात दुनी चौदाह की चार हासिल का है एक साथ पचास फाइव वन एट फोर तो किसका था यहां पे दो सेवन पॉइंट टू दो संख्या के बाद जीरो लगा दो यहां पर भी कितनी एक और दो के बाद जीरो था तो भाई यह किसका वर्गमूल आ गया तो देखो यहां पर क्या कर था करा कुछ नहीं है मैंने आप क्या करते आप लोग यहां पर भाग विधि करते करते हैं? भाई फाइव पॉइंट एट्टी फोर था अब आप दो दो के जोड़े बनाते उसके बाद उसको सॉल्व करते सॉल्व करने के बाद तो मैंने क्या सोचा देखो यहां पर मैं एक बार और समझा देता हूं आपको एक बार और बता देता हूं कि अगर आप लोग एक थोड़ा सा अपना एक यहां पे नॉलेज का यूज करो एक नॉलेज का अगर यूज करो तो हम लोग अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपना काम कर सकते हैं देखो यहां पर मुझे दिया था फाइव मतलब जनरली कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने है ना इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो एक समझ लेना कि अगर इसका वर्गमूल पूछा है अगर इसका कोई वर्गमूल पूछा है तो अगर मैं इकाई के स्थान की बात कर रहा हूं तो अगर इस संख्या का जो भी वर्गमूल निकलेगा तो उसके वर्गमूल की संख्या के इकाई के स्थान पे दो होगा हंड्रेड परसेंट होगा दो क्या तभी तो चार आया है ना तभी तो चार आ गया इसलिए हम लोगों ने इसको यहां पर एक नॉलेज लिया और दूसरी बात हमने यहां ऑप्शन में क्या देखा सात सतहिया इसके इकाई के स्थान पे नौ मिलता इसके इकाई के स्थान पे छह मिलता इसके इकाई के स्थान पे चार मिलेगा और इसके इकाई के स्थान पे पांच मिलेगा तो क्यों ना मैं जिस पे चार मिलेगा उस पे ध्यान दूं है ना क्योंकि अगर यहां पर कोई ऐसी संख्या होती जैसे यहां पर सिक्सटी एट होता तो इसके आठिया चौसठ मिलता तो इसके इकाई के स्थान पर चार मिलता तब मैं यह सोच सकता था कि हां भाई इसका भी कहीं ना कहीं हो सकता है बट मैंने क्यों इसको फोर्स किया क्योंकि यहां पे नो आ रहा था यहां पे आ रहा था इधर पांच आ रहा था बचा क्या चार तो मैंने कोशिश करी कि मैं इसको करके देखूं मिल जाना चाहिए तो वो मिल गया तो ऐसे आप लोग भी दिमाग लगाया करो ताकि आप लोग का भी बिना टाइम वेस्ट किए आपका आंसर आ जाएगा ऐसे ही यहां पे लॉजिक लगते हैं ठीक है ठीके? आगे इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग है अब देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है वही बात कि यहां पर ऐसी संख्या जिनके पीछे एक ऐसी संख्या जिनके पीछे दो तीन सात और आठ आता है वह पूर्ण वर्ग नहीं होती है तो यह भी नहीं है यह भी नहीं है यह भी नहीं है यह है ठीक है क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है पांच आ रहा है ठीक है तो केवल यह काम करेगा किन के लिए हमें रूल्स रेगुलेशन अगर ढंग से पता होंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे 20 है 20 है अगर मान के चलिए इसमें 20 का ही गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी तो 20 में ऐसा क्या गुणा करूं कि ये इसको पूर्ण वर्ग बना दे तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो 20 के साथ अगर गुणा करूं तो पूर्ण वर्ग हो जाए लेकिन हमें एग्जैक्टली निकालना है तो चलिए भाई सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बीस को ले, ले लेते हैं दो एक दो पंजे दस ये हो गया देखो 20 है 20 तो बहुत दूर की बात थी यहां पर 20 के साथ क्या गुणा करूं कि यहां पे जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग हो जाए है ना पूर्ण वर्ग हो जाए तो 20 में एक से लेकर अगर मैं आप लोग यहां पर एक टेस्ट भी लगा सकते हो कि एक एक करके यहां पर संख्या रखकर देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां तो मैंने सॉल्व कर लिया तो हमें क्लियर दिख रहा है बट हम लोग यहां पर इसे दो रख के देखते तो चालीस आ जाता तो चालीस नहीं होता फिर उसके बाद हम लोग रख के देखते पाँच 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 धूनी दस तो सौ आ जाता तो ये मिल गया है ना आगे नहीं मिलता बाएं के चलो नहीं मिलता छः रखते सात रखते आठ रखते तो एक ना एक कोई सी यहां पर एक ही से संख्या मिल जाती जो यहां पर कोई ऐसी संख्या आ जाती जो पहले आ जाए उसको ही तो मान देंगे हम लोग है ना इसके बाद में तो बीस भी आ रहा था इसके बाद में तो बीस भी आ रहा था तो बीस का कितना था चार सौ हो रहा था चार सौ कितना होता बीस हो जाता लेकिन हमने जो पहले आया चार के बाद पहली संख्या आई पांच क्या मिली सो सो मिली तो सो एक पूर्ण वर्ग है क्योंकि उसका वर्गमूल क्या है दस आया समझ में तो हमें क्या बोला हमें क्या बोला था कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे बीस से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए तो देखो वो छोटी संख्या निकल गई पांच और जो निकला हंड्रेड इसका वर्गमूल दस तो पांच और दस ये रहा पांच और दस आंसर आया ना समझ में हम यहां पे लॉजिक की बात कर रहे हैं हम यहां पर वो सारे लॉजिक की बात कर रहे हैं जो हमारे क्वेश्चन को करने में आसान बना दे ताकि हमारे एमसीक्यूज़ करने में हमको टाइम ना लगे जल्दी सॉल्व हो जाए ठीक है आगे आते हैं वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे बहत्तर से भाग करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल होगा अब इनमें से वह संख्या भी है और वर्गमूल भी है तो उसको क्या करेंगे उसके लिए चलिए तो उसके लिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन पे आने के बाद हमने जितने भी अभी तक यहां पे जो लॉजिक यूज करे हैं वहां हम इनका यूज भी कर सकते हैं अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ इसमें पर दिया हुआ है वह छोटी पूर्ण संख्या तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो बहत्तर है सेवनटी टू है इसका हम लोग ले लेते हैं एलसीएम ठीक है क्या हो जाएगा दो तिया छह दो एक बारह फिर वैसे तो डायरेक्ट छह से भी कर सकते हो बट हमको अभाजी गुणनखंड लेना है तो दो एकम दो, दो अठे सोलह दो नम अठारह तीन तिया नौ यहां क्या आ रहा है दो आ रहा है ठीक है ना अब मैं भाग दे दूंगा देखो इसके और इसके पेयर तो बन रहे हैं ठीक है पर दो का नहीं बन रहा तो मैं क्या करूंगा दो को बहत्तर से भाग दे दूंगा तो क्या हो जाएगा छत्तीस आ जाएगा जैसे ये आ रहा था छत्तीस ठीक है क्या हो जाएगा दो तीया छ दो छंग बारह छत्तीस ठीक है तो छत्तीस का वर्गमूल क्या होता है छे तो संख्या क्या हो गई दो और छे ये निकल के आ गया मेरा आंसर तो बहुत इजी और बहुत बढ़िया है आराम से करते जाइए क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते जाएंगे ऐसा कुछ उसके अंदर टफ नहीं है आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ इनमें से कौन सी संख्या के इकाई के स्थान पे प्राप्त होगा देखिए इकाई के स्थान पे छे पे किस प्राप्त होगा अगर नौ की बात करता हूं तो नम्बर नंबर इक्यासी होता है इसके इकाई के स्थान पे तो एक प्राप्त होगा एक के इकाई के स्थान पे एक ही प्राप्त होता है चार के स्थान के प्राप्त अगर मैं करता हूं चार चौक सोलह तो इसके इकाई के स्थान पे आपको क्या मिलेगा छ मिलेगा और तीन तिया नो होता है इसके इकाई के स्थान पे, तो, है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा वाला, ठीक में में मिलेगा? मिलेगा, है इकाई के स्थान और ये हम बहुत से देख चुके हैं इनमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है आगे आते हैं यदि पांच का वर्ग करें तो इकाई के स्थान पर क्या होगा देखो सीधी सी बात यह है कि यहां पर आपको सात दिख रहा है तो हम इकाई के स्थान की बात करते हैं अगर सात से सात को मैं गुणा करता हूं तो उनचास आता है तो इकाई के स्थान पे क्या मिलेगा नो मिलेगा तो यहां पे क्या मिलेगा हमारा राइट आंसर पांच होगा कि अगर पांच को सड़सठ को अगर मैं वर्ग करता हूं तो इकाई के स्थान पे मुझे क्या मिलेगा नो मिलेगा क्योंकि सात से उनचास होता है तो उनचास का वर्ग जो होगा इकाई के स्थान पर पीछे नो आएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं इनमें से चार विषम संख्याओं का वर्ग होगा इनमें से चार विषम संख्या है। मतलब अगर हम इसको पढ़ें तो चार विषम संख्याएं कौन सी होती है मतलब एक तीन पांच और सात एक तीन पांच और सात तो कितनी हो जाएगी चार तो वर्क करूंगा तो सोलह आएगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ये हमने इसके अंदर पढ़ा भी था कि विषम संख्याओं का ऐसी पांच विषम संख्या छह विषम संख्याओं का वर्ग क्या बनता है वही हमने देखा तो हमने पूछा था इनमें से चार विषम संख्याएं तो एक दो तीन चार चार चौ को सोलह अगर मैं जोड़ूंगा तो आते तो दस दसों पांच पंद्रह और एक सोलह तो अब भी हमारा आएगा पर हमको जोड़ना नहीं है केवल हमें विषम संख्याओं का एक लॉजिक होता है यही होता है लॉजिक उनको क्या करते हैं हम काउंट कर लेते हैं और उसका वर्ग कर देते हैं तो उनके योग के बराबर ही आता है उनका वर्ग ठीक है आगे आते हैं सत्रह उन्नीस इक्कीस तेईस का योग होगा अगर हमको प्लस नहीं करना है हमको प्लस नहीं करना है हमें क्या केवल संख्या गिनना है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह का वर्ग क्या होता है एक सौ चवालीस तो ये हमारा आंसर है ये क्या होता है ये विषम संख्याओं के योग का एक ट्रिक होता है उसमें हमें योग नहीं करना है उसमें जितनी संख्या होती है उसको गिन लेते हैं उसका वर्ग उनके इस संख्याओं के योग के बराबर होता है तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ठीक है अगले क्वेश्चन पे आते हैं वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे नब्बे से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो तब उसका वर्ग होगा मतलब हमें क्या करना है सबसे पहले हमें क्या करना है गुणा करना है तो वही चीज नब्बे ले, ले लेते हैं तो क्या करेंगे दो से करेंगे हम लोग यहां पर इसको तो दो चोको आठ और दो पंजे दस फिर तीन से करेंगे तीन एकम तीन तीन पंजे पंद्रह फिर तीन से करेंगे तीन पंजे पंद्रह फिर पांच से करेंगे है ना अब क्या हो गया देखिए वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो यहां पर हमारी जो तो संख्या निकल के आ रही है वो निकल रही है दो और पांच कितनी निकल के आ रही है दो और पांच अगर मैं इसका गुणा करूंगा दो और पांच का तो कितना हो जाएगा पांच दस तो नब्बे गुणा दस कितना हो जाएगा नौ सौ तो नौ सौ का वर्गमूल कितना होता है तीस ये रहा मेरा आंसर ठीक है इस तरह से हमने अपने सॉल्व किया आंसर को सारे चीज हम सारी चीजें जो यूज कर रहे हैं ना वो हम यूज कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को देखते हुए और क्वेश्चन में जो पूछा है हम केवल उसका ही आंसर दे रहे हैं और अपने ऑब्जेक्टिव पे हम राइट का टिक लगाते जा रहे हैं आगे आते हैं अगला दिया है किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है यदि ए बी बराबर तेरह सेंटीमीटर हो और बी सी बराबर पांच सेंटीमीटर हो तो ए बी होगा तो सबसे पहले यहां पर हम लोग करते हैं समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो समकोण त्रिभुज में हमें एंगल बी नाइनटी दिया है और यहां दिया है ए यह बी और यह सी और हमें ए सी जो दिया है वो तेरह सेंटीमीटर दिया है और बी सी जो दिया है वो दिया है पांच सेंटीमीटर और हमें ए बी निकालना है तो यहां पर कितना ए बी होगा देखिए सीधी सी बात है अगर ये एमसीक्यूज में आता है अगर ये एमसीक्यूज में आता है तो आप लोग केवल डायग्राम बनाकर वन सिक्सटी नाइन में से पच्चीस को माइनस कर दीजिए ठीक है 169 में से 25 को माइनस कर दीजिए क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम होती है पाइथागोरस तो थ्योरम क्या होती है? ये होता है बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये है ठीक है सॉरी ये उधर है ना? तो ये हो जाएगा सी का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर तो सी जो है वो मुझे निकालना है है ना सी मुझे दिया हुआ है और ए बी कितना है ए बी नहीं पता और BC पांच है तो आप इसको इधर ही लेकर आओगे ना तो 169 में से में से माइनस करेंगे नहीं 144 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 जो कि हमारा ये आंसर आ गया इस तरह से हम लोगों ने इसको किया। है ना अगर एमसी क्यूज आता है तो बस एक डायग्राम बनाओ और किसकी क्या पोजिशन है वो सेट करो क्या चीज मिसिंग है अगर ये चीज नहीं दी होती और ये और ये और ये दिया होता तो मैं दोनों को प्लस कर देता है ना अगर ये ये साइड और ये साइड दी होती तो मैं दोनों को प्लस कर देता ताकि इसका वर्ग इसके बराबर आ जाता लेकिन अगर ये चीज दी हुई है और ये चीज दी है तो फिर तो माइनस करेंगे ठीक है ये चीज दी रहती है और इसके साथ अगर लंब और आधार में से अगर कोई चीज दी रहती है तो फिर माइनस करते हैं ठीक है और लंब और आधार दोनों दिया रहता है तो फिर प्लस कर देते हैं यह छोटा सा यहां पे लॉजिक हमने ध्यान में रखा ठीक है आगे आते हैं एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है तेईस मीटर है इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा क्या हो गई देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए ए इंटू ए मतलब भुजा इंटू भुजा और कितना दिया हुआ है टू थ्री जीरो फोर तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा टू थ्री जीरो फोर तो ए का वर्गमूल हो जाएगा टू थ्री जीरो फोर को करेंगे तो चलिए टू थ्री जीरो फोर निकालेंगे वर्गमूल निकालना है वर्गमूल निकालने की कोई सी भी मेथड यूज करो मैं आपको लॉन्ग डिवीज़न से बता देता हूं कोई दिक्कत नहीं है तो टू थ्री जीरो फोर दो देखेंगे चार चौको सोलह चार को ही प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आठ उसके बाद यहां पे तेरह में से छे जाएंगे तो एक दो तीन चार पांच छ सात आ जाएगा एक सौ चार अब देखिए यहां पर और यहां पर क्या नंबर रखू यहां पर और यहां पर ऐसा नंबर रखूंगा जिसके इकाई के अंक में चार, चार किस किस के इकाई के अंक में आता है दो के में भी आता है और आठ में भी आता है ठीक है तो आठ या चौसठ तो एक बार रख के देते हैं दो रख के देखते हैं तो एट्टी टू इंटू टू तो दो दुनी चार आठ दुनी सोलह जो कि बहुत कम हो गया डायरेक्ट अब क्या रख के देखो आठ रखकर देखो तो एट्टी एट इंटू एट आठ अठिया चौंसठ चौंसठ की चार हासिल का छः आठ अठिया चौंसठ चौंसठ और छः कितना हो जाएगा सत्तर ये हो जाएगा सात सौ चार तो क्या रखा आठ और आठ तो ए बराबर कितना आ गया भूजा फोर्टी एट तो यह हमारा फोर्टी एट मीटर भूजा आ गई जो कि बहुत ईजी है एम सी क्यूज है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता तो हम लिखते माना कि माना वर्गाकार क्षेत्रफल की भूजा ए है हम ऐसा कर लेते माना माना वर्गाकार भुजा का भुजा की माना वर्गाकार माना वर्गाकार ऐसा लिखेंगे माना भुजा ए है माना वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ए है है ना और वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होता है क्षेत्रफल बराबर होता ए स्क्वायर A A, मतलब A निकाल गया ये भुजा निकल गई इजी है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यहां पर आप मीटर लिख दो ठीक है तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और आंसर निकाला आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन दिया है चार अंगों की सबसे बड़ी संख्या होगी हम बहुत इजीली सबका आंसर दे सकते हैं भाई चार अंगों की सबसे बड़ी संख्या नौ हजार नौ सौ निन्यानवे ठीक है ये तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था अगले क्वेश्चन पे आते हैं चार अंगों की सबसे बड़ी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए घटाई जाने वाली संख्या होगी अब देखिए यहां पर हमने सबसे पहले जो संख्या दिखी थी चार अंगों की सबसे बड़ी संख्या क्या है है ना ट्रिपल लाइन अब इसमें बोला है कि घटाई जाने वाली संख्या होगी अब घटाई जाने वाली संख्या का मतलब हमें क्या करना है इसका वर्गमूल निकालना है तो उसके लिए हमें लॉन्ग डिविजन मैथड का यूज करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा दो दो के जोड़े बनाएंगे यहां देंगे नम्मा नम्मा इक्यासी यहां पे नौ को प्लस कर देंगे तो नो नो अठारह इसमें से नो में से एक जाएगा तो बचेगा आठ और यहां बचेगा एक और नाइन नाइन अब देखो यहां पर नाइन जो करेंगे वो किससे आता है या तो तीन से आएगा या सात से आएगा तीन से करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा तो हम सात से करेंगे इसको ठीक है यहां पे घटाई जाने वाली तो जरूरी नहीं है कि हम एग्जैक्टली exactly लाएं यहां पर हमें एक एक का टेस्ट लगाना पड़ेगा तो वन एट्टी थ्री इंटू थ्री तो तीन तिया नौ आठ ता चौबीस चौबीस की चार हासिल कर दो तीन एकम तीन और दो तीन एकम तीन और दो पांच ठीक है तो ये तो थोड़ा सा कम हो गया हम थोड़ा सा और आगे आते हैं सेवन पे जाते हैं सात सत्य उनचास की दो हासिल का चार सातवा टू छप्पन संतावन अट्ठावन उनसठ साठ जीरो हासिल का छः सात एकम सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह है ना और आगे जाते हैं हम जाते हैं आ, वन एट्टी नाइन इंटू नाइन नंबर नंबर इक्यासी की एक हासिल का आठ नौ आठ बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पिछहत्तर छिहत्तर सतहत्तर अठहत्तर है ना उन्यासी अस्सी अस्सी की जीरो हासिल का आठ नौ एकम नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सत्रह सौ एक अगर मैं यहाँ रखता हूँ नाइन तो यहाँ पर रखता हूँ नाइन तो कितना आ जाएगा सत्रह सौ एक तो ये हो गया आठ नौ और ये हो गया एक वन नाइन्टी एट है ना यहाँ पे वन नाइन्टी एट आया अब वन नाइन्टी एट जो आएगा अब इसमें से क्या घटाया जाए मतलब ट्रिपल नाइन में से अगर मैं इसको घटाता हूं ट्रिपल नाइन में ठीक है तो नाइन 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 में से वन नाइनटी एट को मैंने घटाया तो ये हो गया एक यहाँ हो गया जीरो यहाँ हो गया आठ यहाँ हो गया नौ ठीक है नाइन एट जीरो वन क्या आ जाएगा क्या गलत है घटाई जाने वाली संख्या होगी तो देखिए नाइन एट जीरो वन जो है अगर मैं इसको घटाऊंगा तो यहाँ पर इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो नाइन्टी नाइन निकलेगा कैसे यहाँ पे आप करके भी देख लीजिए तो क्या हो जाएगा 99 को अगर मैं करूंगा तो देखिए करके दिखा देता हूं नंबर नंबर इक्यासी की एक हासिल कार्ड नंबर नंबर इक्यासी बयासी तेरासी चौरासी पिचासी छियासी सत्तासी अट्ठासी और नवासी एटी सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आ, एट नाइन तो यह हो जाएगा वन नौ और एक दस की जीरो हासिल का एक नौ और एक दस और आठ अट्ठारह नौ और एक दस और आठ अट्ठारह की आठ हासिल का एक नाइन एट जीरो वन तो देखिए घटाई जाने वाली संख्या क्या है वन नाइनटी एट तो यहाँ पे हमने 198 कर दिया तो इस तरह से हमने अपने पूरे एम का पूरा जो एक चैप्टर था वो हमने ख़त्म किया और यहाँ पर हमने देखा कि एम के अंदर कितनी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर कवर किए और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि हमने जो बेसिक चीज़ें थी वो भी हमने एमसीक्यूज के अंदर ली हैं ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर पाओ तो हमारा एक वन शॉट रिवीजन और हमारा जो इस चैप्टर का हमने एक पूरा जो कंप्लीट चैप्टर है वो भी कर लिया हमने इसका एक वन शॉट रिवीजन है ये भी हमने कंप्लीट किया और इसका जो एमसीक्यूज वाला पार्ट है ये भी हमने कंप्लीट किया तो इससे पहले जितने भी वीडियो हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो बनाए हैं जो वन से लेके जितने भी चैप्टर के हमने वन शॉट रिविज़न या पूरा चैप्टर और हमने उसके एमसीक्यूज सी बनाए वो भी आप देखिए जाकि आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहे बट बने रहिए हमारे साथ और आपको हमारे साथ बने कैसे रहना है इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूं सबसे पहले आप अपने गूगल पेज पे आप लोग टाइप करिए मैग्नेट ब्रेन जब आप उसको टाइप करेंगे तो आप लोग एक इस तरह के पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर एथ क्लास में जितने भी टीचर हैं जो जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो सब आपको यहां पर दिखेंगे आप जैसे मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जब वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे ये वाली विंडो पर यहां पर आपको मैथ्स के अंदर जितने भी चैप्टर हैं सारे सिक्वेंसली आपको जो पढ़ाए जा रहे हैं डेली वो आपको यहां पर सारे देखने को मिलेंगे और एक चीज याद रखना यहां पर ऐसा एक कुछ भी नहीं है कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सेकंड चैप्टर के लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा या आपको कुछ उसके लिए फीस देना पड़ेगी ऐसा कुछ भी नहीं है ये सारे वीडियोज और सारे जो चैनल में जितनी भी चीजें आपको दिखेंगी ये सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिखेंगी तो जब आप यहां पे मैथ्स में आप जब क्लिक करेंगे या वीडियोस पे देखना चाहेंगे तो आपको वीडियोस कुछ इस तरह से अपने एक इजी एक्सप्लेनेशन के साथ अपनी मातृभाषा में एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देखने को मिलेंगे बट बने रहिए हमारे साथ और बने का रहना है मैग्नेट ब्रेंस हिंदी के साथ जो देता है सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक का एजुकेशन वो भी बिल्कुल फ्री में इसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देना है कोई पैसा नहीं देना है सारे वीडियो सारे चैनल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो अपने फ्रेंड्स हो आप उनको हमारे वीडियोस के हमारे चैनल के बारे में बताइए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए थैंक यू